गए और फिर से ओपन में फिर से हम एक शॉट। भाई ये किसे मार रहा है भाई? लो भाई इसको भी यहाँ पे नॉक कर दिए, एक और प्लेयर यहाँ पे नॉक। ले भाई क्या बोलूं मैं, बालपाल जी में भाव कर दो। अरे भाई ले भाई ले भाई, चटनी घास धूप वाले भाई कुछ भी खा। हे गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो, आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। सो इस टाइम पे यूएमपी का बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है, मतलब हर एक बंदा इस गन से रेड नंबर मारना चाहता है। अब मैक्सिमम बंदों का यूएमपी से रेड नंबर के साथ पूरा हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है। बट वहीं अगर किसी भी प्लेयर का अगर तुम लोग टिप्स को फॉलो करते हो अपने गेम के अंदर एंड जिस तरीके से उस बंदे का रेड नंबर यूएमपी के साथ में लगता है पूरा हेड पे, लेकिन जब तुम लोग उसको अपने गेम के अंदर अप्लाई करने जाते हो सेम उसी प्रोसेस के साथ एंड उसी ट्रिक्स के साथ, तो आप लोगों का उस लेवल का एंड डेंजरस लेवल का हेडशॉट यूएमपी से नहीं लग पाता है। मतलब आप लोगों का सबसे पहले 4-5 गोली एनिमी के बॉडी पे लगता है, तब जाकर आप लोगों का एक गोली हेड पर कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे सोचने लगते हैं कि भाई मैंने तो पूरी टिप्स को फॉलो किया है बट फिर भी मेरा एक रेड नंबर के साथ पूरा हेड पे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। एंड ये वीडियो मुझे थोड़ा पहले ही अपलोड कर लेना चाहिए था बट बहुत सारे बंदे लोग के साथ ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सो कोई ना कहीं सर वीडियो आ चुकी है तो वीडियो को पूरा देखना। तो सर वीडियो को पूरा देखना मतलब अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख ले तो मतलब एक अलग ही लेवल का आप लोग यूएमपी से रेड नंबर मारोगे। एंड बस आप लोगों को इतना ध्यान देना कि आपको कोई हैकर ना समझ जाए, क्योंकि अक्सर करके बंदे जो भी एक यूएमपी से रेड नंबर के साथ चलाते हैं कंटिन्यू, वो बंदे को अक्सर करके सामने वाला प्लेयर हैकर समझ लेता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग हमेशा एक एडवांस लेवल का एंड एक ओपी लेवल का आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक देखने के लिए मिलता है। एंड हाँ अगर तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, जाके वहां से फॉलो कर सकते हो। अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बारीकी से समझाता हूं एंड बिना इस ट्रिक को फॉलो किया आप लोग कभी भी यूएमपी से एक परफेक्ट लेवल का रेड नंबर के साथ हेडशॉट नहीं मार पाओगे। तो यस इसका एक भी पार्ट आप लोग मिस मत करना, क्योंकि एक भी पार्ट अगर आप लोग मिस करते हो तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो पूरा वीडियो को देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है एंड एक अनदर लेवल ट्रिक्स के साथ कवर किया हूं मैंने। अब यहां पर क्या होता है कि हर एक बंदा यूएमपी से रेड नंबर मारना तो चाहता है बट उसको गाइस सर परफेक्ट ट्रिक को नहीं फॉलो कर पाता, जिसकी वजह से उसका यूएमपी से परफेक्ट रेड नंबर नहीं लगता है। एंड इसका यही रीजन है कि आपका पूरा बॉडी पे 2-4 या 5 गोली आपका बॉडी पे जाते हुए तब जाके आप लोगों का एक गोली उसमें से 1-2 गोली रेड नंबर के साथ लगता है। एंड यहाँ पे मैंने जितनी भी ट्रिक्स को कवर किया सारी की सारी ट्रिक्स डेंजरस लेवल की है एंड शायद ही ये ट्रिक्स को कोई बंदा कवर किया रहेगा अपने गेम के अंदर। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ट्रिक हमारा आता है एम प्लेसमेंट। अब एक परफेक्ट लेवल का रेड नंबर के साथ यूएमपी से हेडशॉट मारने के लिए सबसे पहले आप लोगों का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि सबसे पहले आप लोगों का एम प्लेसमेंट किस जगह पे होता है, यानी कि गाइस सर आप लोग कभी भी जब एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो आप लोगों का एम प्लेसमेंट कहाँ पर होता है। अब एक परफेक्ट लेवल का हेडशॉट मारने के लिए एंड ड्रैग शॉट करने के लिए आप लोगों का एम्प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। एंड जो भी बंदा इस चीज को समझ जाता है उसका पूरा यूएमपी से रेड नंबर लगना फिक्स हो जाता है। वहीं अगर आप लोग एक बार अपना प्लेसमेंट जान लेते हो तो आप लोग किसी भी सिचुएशन को हैंडल इजीली तरीके से कर सकते हो एंड परफेक्टली तरीके से पूरा रेड नंबर के साथ हेडशॉट मार सकते हो। अब देखो परफेक्ट लेवल का एम प्लेसमेंट जानने के लिए एंड परफेक्ट लेवल का ड्रैग शॉट मारने के लिए आप लोगों को समझाता हूं मैं। अब ये जो सामने बोर्ड खड़ा हुआ है एकदम ये स्ट्रीट पोजीशन में यानी कि सीधा खड़ा हुआ है। अगर तुम लोग देखोगे यहां पे अगर मैं बोर्ड के जस्ट बॉडी के नीचे अपने एम को रखा हूं एंड ड्रैग कर रहा हूं एंड यहां पर मैं कितना भी ड्रैग कर ले रहा हूं तो पूरा रिकॉइल खाते हुए एक भी ड्रैग शॉट नहीं लग रहा है, यानी कि गाइस सर एक भी हेडशॉट कनेक्ट नहीं हो रहा है। वहीं अगर मैं एनिमी के चेस्ट पर भी अपने एम को कनेक्ट करता हूं तो यहां पर मतलब 4-5 गोली सबसे पहले कनेक्ट हो रहा है बॉडी पर फिर उसके बाद हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गाइस सर आप लोग हमेशा उसकी बॉडी पे ही कनेक्ट करते हो अपने एम को। अब वहीं अगर मैं जस्ट इसको एनिमी के जस्ट ऊपर की तरफ थोड़ा सा चेस्ट के ऊपर से अपने एम को रखता हूं एंड ड्रैग करता हूं तो पूरा रेड नंबर के साथ हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है। यानी कि गाइस सर अगर आप लोग किसी भी बंदे को देखोगे तो हमेशा यही ट्राई करता है कि हमेशा एनिमी के थोड़ा चेस्ट के ऊपर से अपने एम को रखे, जिससे इजीली तरीके से यूएमपी से पूरा रेड नंबर के साथ हेडशॉट लगता है। एंड जो कि यही सेम चीज़ हर एक लीजेंड प्लेयर के वीडियो में आप लोगों को हमेशा देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग White 444 के या फिर White FF की वीडियो को एनालाइज करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ पूरा सामने देखने के लिए मिल जाता है एंड आप लोग इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो, इसकी वजह से आप लोग एक परफेक्टली तरीके से रेड नंबर के साथ हेडशॉट नहीं मार पाते। एंड ऐसे टाइम पे आप लोगों को फायर करते समय बस इतना ध्यान देना कि आप लोगों को 4 या 5 ही बुलेट फायर करना है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों का यूएमपी से रिकॉइल होना शुरू हो जाता है। एंड जैसे ही आप लोगों का रिकॉइल होता है वैसे आप लोगों को अपने फायर बटन को 0.0 सेकंड के लिए रोक देना है,
देन उसके बाद फिर से आप लोग इजीली तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को हमेशा यही ट्राई करना है कि एनिमी के चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर से ड्रैग करना है, जिससे आप लोग एक परफेक्टली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट कर पाओगे। तो ये था यूएमपी का सबसे बड़ा रीजन जिससे आप लोगों का बहुत ही ज्यादा हेडशॉट नहीं लग रहा था। तो आई होप गाइस यार कि आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी, एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।